तो सातमा तबक्कानुं अंतिम मतदान 1 जूने ज्यां वाराणसीमां पण मतदान योजाशे। मतदान पहेला संदेश न्यूज़नी टीम हालमां वाराणसी पहोंची छे। वाराणसीमां वसता गुजरातीओ साथे खास वातचीत करी वाराणसीमां 40,000 जेटला गुजरातीओ वसवाट करे छे। पीएम मोदीए ત્રીજીવાર વારાણસીથી ઉમેદવારી નોંધાવી છે। સંદેશ ન્યૂઝે વારાણસીમાં વસતા ગુજરાતીઓનો મિજાજ જાણ્યો। વારાણસીમાં વસતા ગુજરાતીઓ વડાપ્રધાનના કામથી સંતુષ્ટ છે। ફરી નરેન્દ્ર મોદી જ વડાપ્રધાન બને તેવી માંગ છે। વારાણસીવાસીઓ ઈચ્છા રાખી રહ્યા છે, ત્યારે વારાણસીમાં ગુજરાતીઓ કાપડના વ્યવસાયમાં મોખરે છે। इस वक्त हम बनारस की पतली पतली गलियों में सफ़र कर रहे हैं और एक ऐसे इलाके की तरफ जा रहे हैं जहां पर गुजराती समाज के लोग ज़्यादा संख्या में रहते हैं। और आज हम जानेंगे कि आखिर गुजराती समाज का वोट किधर जा रहा है, और ख़ास करके जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने हैं, तब से वो बनारस के डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनके क्या एजेंडे हैं, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। कहा जाता है करीब 30 से 40 हज़ार जो जनसंख्या है वो जो है बनारस में रहती है, लंबे समय से रहती है, करीब 5-7 पीढ़ी हो चुकी है। और ये सामने आपको जो लोग दिखाई दे रहे हैं, दरअसल गुजराती समाज का एक मंदिर है। सामने आपको ये मंदिर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पूजा पाठ के लिए गुजराती के समाज के लोग आते हैं। लोकसभा चुनाव का वक्त है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह का कामकाज हुआ है, गुजराती समाज स्पेशली पीएम मोदी के बारे में क्या सोचता है, तो वो तमाम सारी चीज़ें आपसे पूछेंगे। અમે લોકો તો પૂરી રીતે સંતુષ્ટ છીએ અને મોદીજી અમારા માટે ખૂબ મોટા એટલે એક આઇડલ પર્સન છે। મોદીજીના સરકારના પહેલાં જે અમારા બનારસની હાલત હતી કે અમને પૂરા 24 ઘંટામાં 10 થી 12 કલાક જ ઇલેક્ટ્રિસિટીની સપ્લાય મળતી હતી, અને એ બધું હવે અમને 24 કલાકની ફેસિલિટી મળે છે। અને અમને ઉમ્મીદ છે કે મોદીજીના રહેતે મતલબ જેમ કહે છે કે મોદી હૈ તો મુમકિન હૈ, તો અમને અમને એના પર પૂરો ભરોસો છે। ક્યાં તીસરી બાર ભી ચાહેંગે કે પીએમ મોદી બનારસ સે સાંસદ બને? હા, તીસરી બાર ભી ચાહેંગે કે પીએમ મોદી પ્રાઇમ મિનિસ્ટર બને? હા। પીએમ મોદી સે કોઈ શિકાયત? કોઈ શિકાયત નથી। આપ આપકા નામ? પવિત્ર ગુજરાતી। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 12th हो चुका है, कॉलेज हो चुका है, कॉलेज में जा रहे हैं। कहाँ से पढ़ रही हैं? वल्लभ से पढ़े हैं, अभी तो अब हरिश्चंद्र में जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपको मोदी जी कैसे लगते हैं? घना अच्छा, एकदम बेस्ट। मोदी जी के बारे में थोड़ा सा बोल दीजिए। अरे मोदी जी तो नामीज हैं, और क्या बोलेंगे, नामीज हैं। देश के लिए तो अच्छा काम किया है, देश के लिए तो अच्छा किया, वो नामीज हैं। हमारे पंतप्रधान गुजराती है, इसलिए गुजराती समाज बनारस पे राज कर रहा है, ऐसा नहीं है। गुजराती शुरू से ही बनारस में, आज हम लोग कई वर्षों से कई पीढ़ियों से बनारस में बसे हुए हैं, और हमारा जो यहाँ पर साड़ियों के बिजनेस पर जो हमारा वर्चस्व रहा है वो गुजरातियों का वर्चस्व मतलब सार्वभौमता के साथ रहा है। हाँ हाँ, हमें गुजरात में आखो टाइम धंधो करी, हमारे कापन लाइन अहमदाबाद सूरत बड़ौदा आखू सौराष्ट्र काठियावाड़ बधू हमें जाइए। क्या धंधा है? कापड़ नो साड़ी नो। कितनी पीढ़ी से यहाँ पे हैं आप लोग? हम लोग तो कितनी पीढ़ी, मैंने खतर खबर नहीं कितनी पीढ़ी, 2.5 वर्ष तो हम सामलू जो थी है जो मोदी में कोई तकलीफ नहीं, थोड़ी बहुत तकलीफ बजो, पांचों आग्नि बराबर नहीं सरकी ने, कोई ने तकलीफ आवे कोई ने आवे, बदा नु मन माफी काम करे ना तो बदा खुश रहे। अरे वोट तो अभी है नहीं, वोट नहीं है, लेकिन पता है पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है? हाँ, क्या चल रहा है? मोदी सरकार चल रहे हैं। और आगे कौन सरकार चलेगा? भैया कुत्ता पाल लीजिए, बिल्ली पाल लीजिए, पर ये वहम मत पालिए कि मोदी सरकार नहीं आने वाले। मोदी जी बहुत बढ़िया वोट से जीते हैं। गुजराती समाज का वोट ज्यादातर किधर जाता है? गुजराती समाज सब बीजेपी, इक्का दुक्का लोगों को छोड़ दिया जाए? नहीं नहीं, इक्का दुक्का भी नहीं, 100% इक्का दुक्का लोग थे, वो है बतियाने के लिए, लेकिन मोहर लगावेंगे ना वही लगावेंगे। अभी कोई दूसरी पार्टी का आदमी आवे उसके सामने हम कहते आपे थे देव, तो इसका मतलब हम उधर चले जाए? ये खाली बनावट रहती है, देते हैं उसी पर, हाथों कांपने लग जाता, दूसरी जगह लग जाता नहीं। ये बात कोई नहीं बोला होगा। निश्चित तौर पे चुनाव सर पे है, 1 जून को वोटिंग होनी है, और अधिकतर गुजराती समाज कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज को लेकर, चाहे देश के स्तर पर चाहे एक सांसद के स्तर पर संतुष्ट है। बनारस से कैमरामैन रोहित त्रिपाठी के साथ मैं अजय यादव, संदेश न्यूज़।